दोस्तों आज हम आपको बताएंगे चंद्र प्रभा वटी का सेवन करने से हमें किन किन बीमारियों से मुक्ति मिलती है और इसका उपयोग हमें किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों चंद्र प्रभा वटी के नियमित उपयोग से शरीर में कई तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए क्षमता पैदा हो जाती है। यह औषधि गुर्दे की पथरी, मूत्राशय, बार बार पेशाब आना, पेशाब में रुकावट होना, प्रोस्टेट बढ़ना, अग्नाशय, हड्डियों और जोड़ों के दर्द में बहुत लाभकारी है। इसके अलावा यह मधुमेह, स्वपन दोष की समस्या होना, महिलाओं की समस्याओं के साथ साथ मानसिक रोगों में भी अब बहुत लाभकारी होती है। तो चलिए आपको बता दें चंद्र प्रभा वटी से होने वाले फायदे और इसका उपयोग कैसे करें। अगर किसी को गठिया या बढ़े हुए यूरिक एसिड की समस्या है तो उसके लिए बहुत लाभकारी दवा है। ये शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड के स्तर को कम करता है और किडनी की कार्यशैली में भी सुधार करती है, जिसके कारण घुटनों का, जोड़ों का दर्द और पैरों की सूजन अपने आप कम हो जाती है। चंद्र प्रभा वटी का उपयोग महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इसका नियमित सेवन करने से शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि होती है और जिससे शारीरिक कमजोरी भी ठीक हो जाती है। पुरुषों को चंद्र प्रभा वटी को अश्वगंधा चूर्ण और कोचपाक के साथ मिलाकर सेवन करना चाहिए। और अगर आपको किसी भी तरह का मानसिक या शारीरिक तनाव या थकान है तो भी आपके लिए इसका सेवन बहुत फायदेमंद है। और चंद्र प्रभा वटी श्रवण शक्ति बढ़ाने में भी काफ़ी लाभदायी होती है। यदि बच्चे इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो इससे उनकी श्रवण शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी। चलिए अब जानते हैं इसका सेवन कैसे करना चाहिए। चंद्र प्रभा वटी का सेवन दिन में 2 बार या 3 बार करना चाहिए। इसे बच्चों को 1 गोली और बड़ों को 2 गोली लेनी चाहिए। अगर आप कमजोर हैं तो आप इसे दूध के साथ लें और अगर आप हेल्दी हैं तो आपको इसे पानी के साथ लेना चाहिए। चलिए इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों वैसे तो इस औषधि के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसे पेट में अल्सर और थैलेसीमिया होने की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।